हम लोग दोनों परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे और दोनों परीक्षाएं एक ही दिन हो गई। मेरा खुद का भी परीक्षा 23 जून को भी परीक्षा है, JPSC का भी है और टीचर का भी है। तो ऐसे में हम लोग किसको दे किसको छोड़े संशय हो गया है। 24 तारीख को परीक्षा ना ले, उसको रेशेड्यूल करे। अब एटलीस्ट अगर पूरा एग्जाम कैंसिल नहीं भी करती है तो जिन परीक्षार्थियों का उस दिन परीक्षा पड़ रहा है उनका अलग से शेड्यूल जारी किया जाए, कोई डेट दिया जाए ताकि दोनों एग्जाम में हम लोग अपीयर हो सके। तो स्पेशल प्रिविलेज थोड़ी मिलेगा? देखिए, इन लोग तो कहने के लिए 5 लाख रोजगार भी बोले थे हमारे मुख्यमंत्री महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, लेकिन 5 लाख छोड़िए, हम कहते हैं 500 भी अभी तक सरकारी नौकरी अपने कार्यकाल में नहीं दे पाए हैं। तो इन लोगों का कथनी और करनी बहुत अंतर है। इस चलते इन लोग का चुनाव 5 साल बाद में होता है, प्रत्येक साल के रूल है कि 5 साल चुनाव हो, इन लोगों का चुनाव को 15 साल के लिए टाल के दिखाए कैसा लगेगा। मेरा भी क्लेक्स कर गया, JPSC मेंस का 23 को दिया हुई है शेड्यूल में और सहायक आचार्य का भी सेम ही डेट में दे दिया, जिससे कारण से हम दुविधा में पड़ गए हैं कि किसका एग्ज़ाम दे। अब इसमें हम JPSC से भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस इसका कुछ तो सोल्यूशन निकलना चाहिए। JSSC ऑफिस में भी मेल किए हैं बट अभी तक कोई मेल का रिप्लाई भी नहीं आया, कॉल कर रहे हैं तो कॉल में रिसीव भी नहीं हो रहा है, जैसे कारण हम लोग अभी दुविधा में क्या करें क्या नहीं करें, किसका पढ़ाई करें क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर समन्वय होता तो ऐसा डेट ये दोनों देते ही नहीं, इससे साफ पता चल रहा है कि JSSC और JPSC में कोई समन्वय नहीं है। मन छात्र जो तैयारी करते हैं वो 2 से 3 जो परीक्षाएं रहते हैं उसको लेकर तैयारी करते हैं ताकि इस परीक्षा में अगर ना हो तो दूसरे परीक्षा में दे, लेकिन अगर एक ही साथ परीक्षा हो जाए तो ये कहीं ना कहीं आपको आप लोग के लिए दुविधा का घड़ी है। बहुत ये तो बहुत 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 सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है, संशय में सब पड़े हुए हैं कि क्यों कौन सा एग्जाम दे कौन छोड़े, बहुत दिक्कत है इसमें। क्या ऑप्शन क्या है आप लोग के लिए, कुछ ऑप्शन है? हम लोग पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब जैसे हम तो अभी केवल JPSC मेंस के लिए हैं और हम ये आचार्य शिक्षक के लिए नहीं है, तो अभी मेरे पास तो ऑप्शन ही है केवल का है कि JPSC ही देना है। आपके लिए बस आराम से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे लोग इनके पास के लिए दिक्कत है तो उन लोग के लिए समन्वय करना चाहिए, JPSC और JSSC दोनों को मिलके, बस यही हमसे रहेगा अगर और बाकी कुछ नहीं। क्या फिजिकली मिलेंगे क्या आप लोग? हम लोग देखिए बहुत छात्र जो हैं ईमेल से मेल भी किए हैं और आवेदन भी जाकर दिए हैं, ठीक है, और फिर हम लोग कल जाकर JSSC में और JPSC में मिलेंगे कि आप लोग समन्वय बनाइए और दोनों में से कोई एक को तो रिट्यूल करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग वंचित रह जाएंगे। और वंचित को रखना तो है समझिए कि संवैधानिक उल्लंघन है, संविधान का अधिकार भी देता है कि आप किसी को वंचित नहीं कर सकते। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ, इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहां है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी 10 माइल चौक रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।